हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं मशरूम चिली। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 300 ग्राम मशरूम लिया है। अच्छे से इसे 3 से 4 बार धो लिया है। और अब क्या करते हैं, गर्म पानी ले लेंगे, एकदम उबला हुआ पानी लेना है और इसमें डाल देना है। इसको आप चाहें तो एक बार उबाल भी सकते हैं, एक बॉईल दे सकते हैं या फिर इस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल खौलता हुआ गर्म पानी है और ये इसमें मैंने डाल दिया है। और अब इसे ढक के मैं छोड़ दूँगी कम से कम 15 मिनट के लिए इसी तरीके से। और 15 मिनट के बाद मैंने इसे छान लिया था और इस तरीके से एक छलनी में रख लिया था ताकि जो पानी होगा एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। और फिर इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के और 2 चम्मच यहाँ पे मैदे के मैं इसमें डाल दूँगी। चाहे तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर इसमें डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, ज़रा सा यहाँ पे लाल मिर्च डाल दी और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लहसुन डाला है, लहसुन का पेस्ट, और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद हमने रखना नहीं है, इसे फटाफट से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है और तेल को अच्छा गरम कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें इसको डाल देंगे और बढ़िया से हाई फ्लेम पे ही हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने डाल दिया है और अब इसे तेज आँच पर ही हम बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे सारा देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको निकाल लेंगे और बाकी का भी मशरूम ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। अब इधर एक कटोरी ले लेंगे और इसमें हम सारे सॉसेस को एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो 2 चम्मच से यहाँ पे रेड चिली सॉस डाला है, 2 चम्मच ही सोया सॉस डाल रही हूँ, 1 चम्मच से यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच ही विनेगर और 4 चम्मच के करीब इसमें डाल देंगे टोमेटो सॉस और सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मिक्स हो गया है, इसे साइड में रख देते हैं और गैस पे चढ़ा देंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे 1 चम्मच से तेल। जैसे ही तेल हमारा गर्म होगा उसमें डाल देंगे बारीक कट किया हुआ लहसुन और अदरक और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पे 2 से 3 मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, हरी मिर्च को भी इसी के साथ भून लेते हैं थोड़ा सा। अब इसमें डाल देंगे 1 प्याज। यहाँ पे मैं प्याज और शिमला मिर्च को बारीक कट करके ले रही हूँ, आप इसे बड़े टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटा छोटा ही कट किया है। तो देखिए तेज आंच पे ही प्याज को 1 मिनट के लिए पकाया है। उसके बाद इसमें 1 शिमला मिर्च भी डाल दी है, बारीक ही कट किया है, और इसको भी हमने तेज आँच पर ही 1-2 मिनट के लिए पका लेना है। तो 1-2 मिनट पकाने के बाद 1 छोटी चम्मच से काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। आप एक बार ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमने सॉस मिक्स करके रखा हुआ था वो यहाँ पे डाल दिया मैंने और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अभी गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा सा मीडियम कर दिया है और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। तो देखिए थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें डाला है। तो अब इसमें डालना है हमने कॉर्नफ्लोर वाला घोल। तो यहाँ पे मैंने लिया है जिसमें हमने मशरूम मिक्स किया था उसी में बच गया था, तो ये मैं वही डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो अलग से थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर घोल के उसका पतला घोल बना के भी आप इस तरीके से डाल सकते हैं। और इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको अगर बिल्कुल ड्राई करना है तो आप थोड़ा सा कम डालिएगा और पानी भी कम डालिएगा। मैंने थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रखी है, थोड़ा सा लटपट बनाया है, तो इसीलिए कॉर्नफ्लोर 4 चम्मच के करीब इसमें डाला है और पानी भी थोड़ा सा देखिए ज़्यादा डाला है। अब इसे चलाते हुए हमने अच्छे से पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छे से पक जाए। तो अब यहाँ पे ये देखिए ये अच्छे से पक चुका है,
दो तीन मिनट के लिए मैंने इसे बढ़िया से बॉईल होने दिया है। अब इसमें हम ये मशरूम को डाल देते हैं जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था, और इसे डालने के बाद हम इसे फिर से मिक्स करेंगे और फिर एक दो मिनट के लिए इसको फिर से हम पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। आप एक बार इसे ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा बहुत ही टेस्टी सा मशरूम चिली बन के तैयार हो गया है। तो देखिए, बहुत टेस्टी बना है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।